हाय किड्स, आज हम अपने इंग्लिश में चैप्टर 6 विक्रमादित्य अ ग्रेट जज के बारे में लेसन को रीड करेंगे। विक्रमादित्य वॉज द किंग ऑफ उज्जैन। ही वॉज वेल नोन फॉर हिज जस्टिस। हिज जजमेंट वॉज सो जस्ट एंड कॉन्क्रीट दैट बोथ द पार्टीज एक्सेप्टेड इट एंड वेंट अवे सेटिस्फाइड। देयर इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी बिहाइंड हिज जजमेंट सेट। विक्रमादित्य कहाँ के राजा थे? उज्जैन के, और वो अपने न्याय के लिए माने जाते थे। अगर दो लोगों के बीच में झगड़ा हो जाए तो राजा विक्रमादित्य उनके झगड़े को निपटारा किया करते थे और उनके न्याय के चर्चे हर तरफ थे, है ना? क्यों? क्योंकि वह जो दोषी होता था उनको सजा देते थे और जो निर्दोष होते थे उनको न्याय देते थे, उन बिना भेदभाव के, ठीक है, है ना? बिना भेदभाव और सूझबूझ के साथ हमेशा लोगों की झगड़ों को सुलझा देते थे और लोग उनसे संतुष्ट होकर ही जाते थे। वैसी ही की स्टोरी उनके जजमेंट को लेकर है। चलिए पढ़ते हैं। लॉन्ग टाइम बैक देयर वॉज अ पास्चर लैंड इन अ विलेज। पीपल यूज टू सेंड देयर काउज टू ग्रेस इन द पास्चर लैंड। द शेफर्ड बॉयज हैड प्लेंटी ऑफ टाइम टू हैव फन। वन डे द शेफर्ड बॉय फाउंड अ माउंड ऑफ अर्थ अंडर द ट्री। इट लुक जस्ट लाइक अ सीट। अब एक दिन क्या हुआ, उनके गाँव में वहाँ पर एक बहुत बड़ा चारागाह था, मतलब जहाँ गाय भैंस घास चरने जाती है। गांव के सभी गाय भैंस वहाँ पे चरने जाती थी। वहाँ पे कौन लेके जाता था? चरवाहा। चरवाहा लड़के लोग वहाँ पे लेके जाते थे उनको, और उनके पास जब तक गाय चरती थी शाम तक उनके पास बहुत समय होता था कि वह कुछ मस्ती कर सके, है ना? तो वहाँ पे एक पेड़ के नीचे बड़ा सा पत्थर था जो कि एक राजा के सिंहासन की तरह ही दिखाई दे रहा था। वन ऑफ द बॉयज जम्प्ड इन ऑन टू द सीट। सडनली ही केम ग्रेव एंड स्टार्टेड ऑर्डरिंग द अदर बॉयज, आई विल गिव यू द जस्टिस। अब एक लड़का उस पर चढ़ के बैठ गया और अचानक से उसको मतलब वो बहुत सीरियस हो गया, है ना? एकदम शांत हो गया, सीरियस हो गया और वो आदेश देने लगा, बोला कि मैं तुम्हें न्याय दिलवाऊंगा। द अदर बॉय सॉ फन इन इट एंड स्टार्टेड क्वेरलिंग। द डिस्प्यूट वॉज ब्रॉड बिफोर हिम। अब जो बाकी लड़के थे उन लोगों ने उसमें मस्ती लगी उनको, तो उन लोगों ने झगड़ा करना शुरू कर दिया और झगड़ा को कहाँ लेकर आए? उसके पास लेकर आए। ऑल द बॉयज वॉन्टेड हिम टू सेटल द डिस्प्यूट। सभी लड़के उनके झगड़े को निपटाना चाहते थे। द बॉय ऑन द सीट लुक डिफरेंट। ही गेव ग्रेव एंड सीरियस। ही बिकम ग्रेव एंड सीरियस। ही पास द जजमेंट इन सच अ अरेंज वॉयस दैट अदर बॉयज वर लिटिल फ्राइटेंड। फ्राइटेंड मतलब डर जाना। अब जो लड़का उस सीट पे बैठा हुआ था वो बहुत ही सीरियस और गंभीर दिखाई दे रहा था, है ना? और उसने जजमेंट बताया एकदम गंभीर आवाज़ में, भारी आवाज़ में उसने जजमेंट दिया तो सभी लोग डर गए। द जजमेंट वॉज जस्ट एंड वेल एक्सेप्टेड बाय द कंसर्न डिस्प्यूटेंट्स। अब फुलिश, अब क्या हुआ, जो जजमेंट उसने दिया दोनों पक्षों ने उसे मान लिया। डिस्प्यूटेंट्स मतलब जो दो बीच लोगों के बीच में लड़ाई हो रहा था उन्हें डिस्प्यूटेंट्स बोल रहे हैं, ठीक है। A foolish shepherd delivers judgment. The news spread in the village. अब जैसी वो जो बालक था जो बैठा था जिसे कुछ नहीं पता था, पढ़ाई लिखाई भी अच्छे से नहीं जानता था, उसने जो जजमेंट दिया वह पूरी बात गांव में फैल गई। Gradually people started to coming him to him with their disputes and went away satisfied. But the strange thing was that when he came down from his seat, he was just like any other shepherd boy. अब क्या हुआ,
उसके चर्चे बहुत दूर दूर तक पहुंच गए और लोग उसके पास अपने झगड़ों को लेकर आना शुरू कर दिया। और वह लड़का उस सीट पे बैठने के बाद सभी लोगों का झगड़ा अच्छे से सुलझा दिया करता था और सभी लोग उससे संतुष्ट होते थे। लेकिन वह लड़का जब उस सीट से उतर जाता था तो एक नॉर्मल लड़के की तरह इधर उधर मस्ती करता था। द वर्ड फर्दर स्प्रेड, द किंग ऑफ उज्जैन ऑल्सो हर्ड इट। ही थॉट दैट द सीट सर्टनली बिलोंग टू किंग विक्रमादित्य। अब क्या हुआ, यह बात उज्जैन के राजा तक भी पहुंच गई और उन्होंने जब ये उनके पास चर्चा होते हुए आई तो उनको लगा कि यह जो सिंहासन है वो पक्का राजा विक्रमादित्य का है। ही ordered फॉर excavation एट द साइट। What was it? A slab of black marble supported on hands and wings of the 25 angels made of stone. Surely it was the seat of विक्रमादित्य। विक्रमादित्य का जो सिंहासन था वह कैसे टाइप का बना हुआ था, ब्लैक मार्बल का था, उसके दोनों तरफ हाथ थे जिसमें हाथ में क्या लगा हुआ था, विंग्स, कितने, 25 एंजल्स, परियों के मतलब साइड में इस तरीके से लगा हुआ था। और वो सीट श्योरली किसका था, राजा विक्रमादित्य का। द किंग एक्सक्लेम्ड एंड थॉट इफ जस्ट सिटिंग ऑन द सीट ब्रिंग्स विजडम एंड द जस्टिस टू द शेफर्ड बॉय, आई वुड सीट ऑन द सीट एंड द स्प्रिट ऑफ किंग विक्रमादित्य वुड बी ड्रॉन ऑन टू मी। अब क्या हुआ, किंग ने बस इतना ही सोचा कि अगर उस लड़के को उस सीट पे बैठने से इतनी अच्छी सूझबूझ और न्याय करने की न्याय कर पा रहा है तो मैं भी बैठूंगा, तो मैं भी कितने अच्छे से लोगों का झगड़ा डिस्प्यूट जो है उसे सुलझा सकूंगा। द सीट वॉज ब्रॉट टू द किंग पैलेस। अब वो जो सिंहासन था उसे उठा के कहाँ लाया गया, किंग के पैलेस में। ही ordered all फॉर 3 days fast टू sanctify themselves। अब उन्होंने क्या बोला था, 3 दिन का उन्होंने उपवास करेंगे कि अपने आप को शुद्धि कर सके, है ना। ही fixed 4th day of his ascendance to the seat। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने चौथे दिन चूज़ किया कि वो सीट पे बैठेंगे। ऑन द 4th day पीपल गैदर्ड टू सी असेंडिंग ऑफ द किंग। व्हेन द किंग वॉज अबाउट टू सिट ऑन द सीट वन ऑफ द एंजल्स बिगेन टू स्पीक। अब वहाँ पे 25 एंजल्स के पंख और परियाँ थी उस सीट पे। अब जैसे ही वो चौथे दिन वो बैठने की कोशिश किया किंग ने, तो उसमें से एक एंजल बोल उठी, स्टॉप, डू यू थिंक दैट यू आर वर्दी टू सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। तो परी ने क्या पूछा कि क्या तुम काबिल हो सीट पे बैठने के विक्रमादित्य के। हैव यू एवर डिजायर टू रूल द किंगडम दैट वर नॉट योर्स। क्या तुमने कभी भी इच्छा रखी ऐसे राज्य को लेने की जो तुम्हारा नहीं है। द किंग कुड नॉट गिव एन आंसर। ही न्यू हिज लाइफ वॉज नॉट जस्ट एज दैट ऑफ विक्रमादित्य। वह किंग आंसर नहीं दे पाया क्योंकि वह खुद ही लोगों के साथ न्याय नहीं कर पाया जैसे विक्रमादित्य हमेशा सही करते थे, है ना, और खुद भी सही रहते थे। उसी प्रकार से ये राजा नहीं थे। ही सेड नो आई एम नॉट वर्दी। अब उन्होंने क्या बोला, नहीं मैं इसके काबिल नहीं हूँ, इस सीट पर बैठने के काबिल नहीं हूँ। गो देन एंड फास्ट एंड प्रे फॉर 3 days टू प्यूरिफाई योर सेल्फ, स्पोक द एंजल। सडनली द एंजल वैनिश्ड अवे। अब एंजल ने जो था, परी जो थी, वो क्या बोले, जाओ और जाके 3 दिन का और उपवास करो और साथ में प्रार्थना करो कि अपने आप को पवित्र कर सको, है ना, और वो एंजल गायब हो गई। द किंग फास्टेड एंड प्रेड फॉर 3 days एंड केम बैक टू द सीट टू
एसेंट। अब राजा जो था 3 दिन के उपवास के बाद और प्रेयर के बाद वापिस आया, सीट पे बैठने लगा। दिस टाइम ही फेल्ट कॉन्फिडेंट। अब इस टाइम पे क्या हुआ, वो अपने आप को बहुत आत्मविश्वास से भरा हुआ पा रहा था। बट वॉट हैपेंड एज ही केम नियर द सीट, द सेकेंड एंजल स्पोक, इफ यू नेवर विश टू ओन रिचेज नॉट बिलोंगिंग टू यू, यू मे सीट। अब जो बैठने ही वाला था उसी समय जो दूसरी एंजल थी उसने क्या बोला कि क्या तुमने कभी भी दूसरे के धन को अपना सोचा है, है ना, जो तुम्हारा नहीं है उसको पाने की लालसा रखी है, अगर नहीं रखी है तो तुम इस पे बैठ सकते हो। द किंग थॉट दिस टाइम ऑल्सो ही वॉज नॉट वर्दी टू सिट। अब किंग के मन में इस प्रकार का लालच था कि दूसरे का धन उसका हो जाए, इसी वजह से वो फिर क्या हो गया, उस सीट पे बैठने के लायक नहीं समझा। द सेकेंड एंजल फ्लू अवे एडवाइजिंग हिम टू प्यूरिफाई हिमसेल्फ। और वो दूसरी एंजल भी उड़ गई और बोली कि तुम अपने आप को शुद्ध करो। दिस वे बट ऑल बट वन एंजल हैड फ्लोन अवे। अब इसी तरीके से हर बार वो बैठने की कोशिश करता और एक एंजल कुछ ना कुछ बोल के उड़ जाती। When the king came near the seat for the last time, the angel asked, "If your heart is as pure as that of a child, you are indeed worthy to sit on this seat." अब जब आखिरी एंजल का समय है उसने क्या बोला, क्या तुम्हारा दिल जो है वह उस बच्चे की तरह प्योर है, अगर प्योर है तो तुम इस सीट पे बैठ सकते हो। तो किंग ने क्या बोला, नहीं मैं इस सीट पे बैठने के लायक नहीं हूँ क्योंकि मेरा दिल बच्चे के समान प्योर नहीं है। द लास्ट एंजल फ्लू अवे सडनली कैरिंग द सीट ऑन हर हेड। यू नो यू वुड बी नोइंग विक्रम संवत द हिंदू ईयर विच ओज इट्स ओरिजिन ऑफ किंग विक्रमादित्य। तो लास्ट एंजल भी उस सिंहासन को अपने सर पे रख के लेके उड़ जाती है, जैसे किंग बोलता है कि नहीं मैं उस पे बैठने के लायक नहीं हूँ। आपको पता है किंग विक्रमादित्य, आप कैलेंडर देखते होंगे, बहुत सारे कैलेंडर्स आते हैं हिंदी कैलेंडर्स, उसमें आपको ऊपर में विक्रम संवत लिखा होता होगा। वो क्या है, हिंदू लोगों का जो कैलेंडर होता है वो उसी हिसाब से चलता है, ठीक है। और कहाँ से बना वो कैलेंडर, किंग विक्रमादित्य ने ही उस कैलेंडर का निर्माण करवाया था। ओके, कॉन्क्रीट मतलब क्या होता है, हार्ड एंड सॉलिड, सख्त। पास्चर मतलब ऐसी जगह जहाँ पे जानवर चरने जाते हैं, ओपन लैंड फॉर ग्रेजिंग एनिमल्स, फ्राइटेंड अंडर फीलिंग ऑफ फियर, डर जाना। डिस्प्यूटेंट्स पीपल हैविंग डिस्प्यूट्स विथ वन अनादर, ऐसे लोग जो आपस में झगड़ा कर रहे हैं। सेंटिफाई टू प्यूरिफाई, अपने आप को शुद्ध करना। एंजल्स गॉड्स रिप्रेजेंटेटिव, परियां। ओके, थैंक यू।